स्मार्टफोन के जमाने में गूगल मैप अनजान रास्तों पर सबका ही सहारा होता है, लेकिन कभी कभार तकनीक पर अंधा विश्वास करना हमें परेशानी में डाल देता है। लेकिन बरेली की एक घटना के लिए लोग सिर्फ गूगल मैप को नहीं बल्कि प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल रविवार को एक कार अधूरे पुल से रामगंगा नदी में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में पुलिस को संदेह है कि चालक जीपीएस के कारण असुरक्षित मार्ग पर चला गया। बताया गया कि यह दुर्घटना खालपुर दातागंज मार्ग पर सुबह के करीब 10 बजे हुई, जब ये सारे बरेली से बदायूं जिले के दातागंज जा रहे थे। इस मामले पर कई यूजर अब पोस्ट लिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अमन और उसका भाई विवेक जो सुरक्षा कर्मी के तौर पर काम करते थे, उन्होंने बरेली में एक शादी अटेंड करने के बाद वो शॉर्टकट रूट लेने का फैसला किया जो उन्हें गूगल मैप ने दिखाया, पर अफसोस वो रूट उन्हें एक अधूरे पुल पर ले गया। वो करीब 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि सड़क खत्म हो गई, लेकिन कोहरे के कारण उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया और वो सही फैसला नहीं कर सके। उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की पर वक्त रहते गाड़ी को नहीं रोक पाए, जिससे कार सीधा 25 फीट गहरी नदी में जा गिरी। इस हादसे में 3 की मौत हो गई। फिर वही चलता है वाला रवैया, निर्माण कंपनी जिसने आधा अधूरा पुल बना किसी बैरिकेड को खुला छोड़ दिया और इसे जांचने वाली कोई एजेंसी नहीं है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ये सब ठीक है सर, एक्शन क्या होगा, कब होगा और किस पर? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश में विकास आपके सामने है। बरेली गलत जीपीएस नेविगेशन के कारण एक निर्माणाधीन पुल से तेज रफ्तार कार गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को पानी से बाहर निकाला। अब देखना यह है कि कार्रवाई किन लोगों पर होती है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, हाँ बहुत बुरा हुआ भैया, पता नहीं ये डिजिटल दुनिया एक दिन खतरनाक होगी। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, अब इसमें गलती किसकी, सरकार की या गूगल की? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।